अगर देख रहे हैं तो आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना है, आप ऐसे ठग वाले कॉल से ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ 3.5 लाख रुपया भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको 18,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और साथ ही कुछ ग्रामीणों को की राशन, चीनी, चावल उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपके माध्यम से डोरंडा थाना में भी कंप्लेन दिया है। और वरीय पुलिस अधीक्षक को रांची को भी इस संबंध में, नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, वो किसानों के लिए योजना होती है और इस योजना का नाम कुसुम योजना है, जिसके तहत किसानों को सिंचाई हेतु सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराई जाती है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरेडा को अधिकृत किया गया है। ये प्रक्रियाएं हो रही है, लेकिन अब क्या है कि अभी जिले में कुछ ठग गिरोह सक्रिय हो गए हैं और किसानों को फर्जी तरीके से कॉल करके बता रहा है, विभिन्न प्रकार से परेशान करके उससे पैसे मांगा जा रहा है। इस विषय पर कुछ किसान परेशान हो गए हैं और कुछ लाखों किसान जो है परेशान हो गए हैं। आज हमें उन लोगों ने बुलाया ये शिकायत करने के लिए, हम उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है, किस प्रकार से उन्हें कॉल आता है और क्या क्या बोला जाता है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये किसान हैं, हम इनसे पूरा परिचय आपको करवाते हैं। इधर आ जाइए। सबसे पहले तो आप नाम बताओ। सर, मेरा नाम अनंत कुमार ताते है और मेरा गांव खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा ब्लॉक के डोरमा पंचायत में है। हम डोरमा गांव के रहने वाले हैं। मैंने पिछला फरवरी माह में कुसुम योजना के तहत 2 HP सोलर सिंचाई पंप के लिए DD बना के DRDA ऑफिस में APO मैम के पास जमा किए थे और उसी के तहत हमको एक कॉल आया बीते यही महीना में, सप्ताह भर हो रहा है, और उसमें बोला कि हम जरेडा ऑफिस रांची से बोल रहे हैं, उस कृषि विभाग के तरफ से आपका नाम तोरपा ब्लॉक में चयन किया गया है, आपको ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा, इसके साथ साथ 3.5 लाख रुपया भी आपको नगद कैश दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला, शर्त रखा कि आप इसके लिए 24,500 रुपया प्रज्ञा केंद्र में जाके ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमने बोला कि भाई इस तरह तक कोई उस तरह सूचना नहीं मिला है हमको DDC कार्यालय तरफ से। तो उन्होंने बोला कि वो अंजना मैडम का भी नाम आया, उन्हीं के थ्रू से ये हम लोग आपको दिला रहे हैं। तुरंत जब भी पैसा अगर तुरंत उपलब्ध कराए पैसा तो आपका ट्रैक्टर से LP ट्रक से जा रहा है आपका ट्रैक्टर, इस तरह हमको बोला गया। तो इस बारे में आप जाके संबंधित विभाग में जिले में जाके बात किए थे, बताए थे मैम से या सर से जो? APO मैडम का हमारे पास नंबर था, हमने उनको नंबर कॉल किया और तुरंत पूछा कि इस तरह का हमको फोन आया है तो क्या किया जाए। तो वो बोले कि नहीं, इस तरह का कुछ स्कीम नहीं चल रहा है, आप वो लोग ठग हैं, वो लोग से मत ठगाइए, किसान लोग भी परेशान कर रहा है वो लोग। तो इसी तरह हम लोग और सुनने में आया कि हम और भी किसान हैं जो ठगा भी चुके हैं, कुछ पैसा वो लोग दे भी चुके हैं, कुछ किसानों को ठग भी चुका है। ये ठग गिरोह अभी जिले में सक्रिय है। आप अभी एक लाभुक थे, लाभुक किसान, इससे सुन रहे थे कि इन्हें किस प्रकार से कॉल आया और क्या बताता है ठग गिरोह। हम एक और किसान, एक महिला किसान से हम बात करते हैं, क्या उन्हें भी शायद कॉल आया है? वो भी हमारे पास अभी यही हम बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने भी बताया, तो हम एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या था। सबसे पहले तो मैम का नाम जानेंगे। मेरा नाम नरगिस जंगा तेड़ू है, मैं ग्राम पंचायत बिछना की रहने वाली हूँ। मैंने भी फरवरी के माह में सोलर पंप के लिए अप्लाई किया था, जो खूंटी जिला DC ऑफिस में किए हुए थे। तो 11 तारीख को एक कॉल आया और बोला जा रहा था कि हम PM किसान ऐसे मुख्यमंत्री आवास के पास से कॉल कर रहे हैं, तो आपका नाम जिला में टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आपको जरेडा के साइड से एक ट्रैक्टर मिलेगा जिसमें आपको 18,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और साथ ही कुछ ग्रामीणों को की राशन, चीनी, चावल उपलब्ध कराया जाएगा, जो आपके माध्यम से बांटा जाएगा, इस तरह कॉल आया। हम कॉल को रिकॉर्ड किए थे और बताए भी थे कुछ स्टाफ हैं जरेडा के या रीड्स के उनको। और सेकंड कॉल आया था 12 तारीख के आसपास, 12 अगस्त को फिर से आया कि उसी तरह से बोला गया कि आप तुरंत में ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपको
बहुत सारा ऑफर आया हुआ, ऐसा ऑफर नहीं आएगा, अगर अभी आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे तो किसी और किसान को चुना जाएगा, फिर आप मत बोलिएगा इस तरह का कॉल आया। और अंजना मैडम का भी नाम आया कि अंजना मैडम के थ्रू से कॉल किया जा रहा है, और जमशेदपुर से दो सर और मैम आएंगे जो आपका फॉर्म फिलअप करेंगे, इस तरह का बात है। तो बोले कि ठीक है अंजना मैडम को एक बार बोलिए, वो कॉल करेगी तो जरूर ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, इस तरह से बात बोले, फिर कॉल करना बंद कर दिया। अभी तो अंजना मैम से बात किए थे इस बारे में? हाँ, लिस्ट के स्टाफ को बताए थे आनंद जी को कि सर इस तरह कॉल आया था और पता चल गया था ये फ्रॉड है, तो ज्यादा सीरियस नहीं लिया उनकी बातों को। पेमेंट किए क्या, पेमेंट करने, आप पेमेंट करने के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या पेमेंट करना था? नहीं नहीं, हम तो सोच ही नहीं थे कि पेमेंट करना नहीं है, क्योंकि जो भी कॉल आएगा सर है, एक नंदलाल सर, आनंद सर, उन्हीं के थ्रू मैसेज मिलेगा कि हाँ पेमेंट करा नहीं करना है, बाकी तो कॉल आ ही जाएगा अंजना मैम के यहाँ से, सोच करके पेमेंट करने के बाद सोचे ही नहीं। चलिए थैंक यू। देखिए अब दो किसानों से हमने, दो लाखों किसानों से बात किया, इन लोगों ने ठग का जो फोन आता है उनके बारे में विस्तार से बताया। हम अब बता दें कि इसी DDC ऑफिस में ही एक लाभुक है जो कार्यरत हैं, और उन्हें भी कॉल आया, उन्हें भी इस ठग का कॉल आया, ठग का कॉल आया था और उनसे भी इसी प्रकार से ठगी का प्रयास किया गया था, लेकिन वो क्योंकि कार्यालय में कार्यरत थे तो उन्हें तो सब रूल्स पता था, सब चीज उन्हें पता था, इसलिए वो इस ठगी से बच गए। हालांकि हमने जिन किसानों से बात किया वो भी ठगी का तो शिकार नहीं हुए, लेकिन ये जिले के, और अभी जो आप हमें अगर देख रहे हैं तो आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना है कि आप ऐसे ठग वाले कॉल से सावधान रहें। हम इस विषय पर अंजना मैम से भी बात करेंगे कि ये आखिर पूरा प्रक्रिया, पूरा विषय क्या है, क्यों ऐसे हुआ है, और ठग के पास जो डिटेल्स, जैसे किसान बता रहे थे पूरा डिटेल्स वो बता देता है, तो आखिर उसके पास ये पूरा विवरणी आता कहाँ से है, इस पर क्या क्या, इसके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है, हम इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं संबंधित विभाग के कार्यालय, और हम इनके लिए जो अधिकृत हैं, जो मैम हैं या सर हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन ठगों का गिरोह यहां सक्रिय है और आपने इसके खिलाफ कौन कौन सा कदम उठाया, क्या क्या आप अभी तक प्रक्रियाएं कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ, हम मिलते हैं मैम से। ये स्थापना शाखा है DRDA का, अब हम आ चुके हैं मैडम के पास, अब इनसे बात करते हैं। चलिए बैठिए। नमस्ते मैम। मैम आपके यहाँ कुछ शिकायतें आ रहे हैं, किसान कुछ शिकायत कर रहे हैं कि कुछ फर्जी तरीके से उनके पास कॉल आता और उन्हें बताया जाता कि आपके नाम से ट्रैक्टर आपको ऑफर किया गया है, 3 लाख रुपया ऑफर किया गया है, और ये आपके संबंधित कार्यालय से है ये किसानों का योजना, तो क्या इसके बारे में आप लोग कोई एक्शन लिए हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, इसकी सूचना मुझे मिली है, और अभी पिछले सप्ताह भी 10-12 लाभुक कार्यालय में आए थे शिकायत लेके, और प्रतिदिन 2-3 लाभुक का कॉल आ रहा है इस संबंध में कि मैडम इस प्रकार से कॉल आ रहा है और राशि मांगा जा रहा है, तो हम लोग को क्या उसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि इस संदर्भ में हम लोगों ने जरेडा रांची से भी संपर्क किया, उनसे बात किया है और उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने डोरंडा थाना में भी कंप्लेन दिया है और वरीय पुलिस अधीक्षक को रांची को भी इस संबंध में उन लोगों ने सूचना दी है कि 10-12 फोन नंबर है उससे कॉल आ रहे हैं, और वहां से हमें चिट्ठी भी मिली है, और इस संबंध में हमने खूंटी जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र निर्गत कर सूचित किया गया है कि इस प्रकार से अपने संबंधित जो भी फील्ड के स्टाफ है, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जन सेवक, उनके माध्यम से लाभुकों को आग्रह करें कि कोई भी प्रकार के कॉल आते हैं तो वो कोई भी प्रकार की पैसा अकाउंट नंबर या आधार नंबर वो ना दे, और साथ ही बहुत से ऐसे रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें ठगा जा रहा है, और हम लोगों ने ये न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया है, आज हिंदुस्तान में भी आया है, और कल बाकी जो खुटी के और रांची के न्यूज़पेपर में है उसमें भी प्रकाशित किया जाएगा, और किसानों को सूचित किया जाएगा कि इस प्रकार के कोई भी प्रलोभन में ना फंसे, और कोई प्रकार का अकाउंट नंबर, आधार नंबर, OTP उन्हें ना दे,
अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो सीधे यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हम लोग ने दिया भी है फोन नंबर 8969187647 में आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं कि राशि जमा हो रही है कि नहीं, या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर समरणालय खुटी में भी आके मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा, जैसे किसानों को कॉल आया था तो मोबाइल नंबर तो शो किया होगा, तो उस नंबर को लेके आप लोग कोई FIR या कोई और ही कार्रवाई इस संबंध में, जैसे जरेडा से बात हुई थी तो उस समय उन्होंने 10-15 फोन नंबर उन लोगों ने दिया था, पर अभी जैसे लाभुक लोग यहाँ जिला में आ रहे हैं कम्प्लेन लेके, मगर अब वो नंबर इस नंबर से मैच नहीं कर रहा है। अब हमको जैसा हम लोग को लग रही है कि वो शायद वो लोग सिम चेंज कर दिए हैं और वो लोग दूसरे नंबर से वो लोग को फोन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे किसान बता रहे थे कि उनका नाम पता, उनके लिए क्या ऑफर किया गया है, ये पूरा विवरणी वो बता देता है, तो क्या ये विवरणी उसके पास ठगी गिरोह के पास कैसे उपलब्ध हो पाता है? ये तो हमें भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि इस संबंध में और सब जिला से भी आप लोग बात कर सकते हैं करके, और उन लोग के पास नाम, ग्राम, डीडी नंबर के क्या कितने HP का वो लोग ले रहे हैं वो सारा उन लोग के पास जानकारी मिल गया। अब किसके माध्यम से या कहाँ मिला है ये हमें भी जानकारी नहीं है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम भी बता रहे हैं कि इन्हें भी नहीं पता, लेकिन ठग गिरोह इतने सक्रिय और इतने होशियार है कि वो किसानों का पूरा विवरणी निकाल ले रहा है। तो आप हमें देख रहे हैं तो आप भी ऐसे ठगों से सावधान रहें, और ताकि आप ऐसे ठगों का शिकार नहीं हो पाएं।